प्रिय छात्रों सत्र नमस्ते। आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मुझे पूर्ण आशा है कि आप अभ्यर्थी करते होंगे। अच्छी बात है, समय के साथ साथ अपने को आपको पढ़ाई के समय बढ़ाना है, पढ़ाई भी करनी है ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो मैं यही कहता था कि पिछले अध्याय में आपने सपना देवी की जीवन दृष्टि के बारे में पढ़ा था। अगला अध्याय हम देखते हैं आपका शिष्य हरिशंकर प्रसाई, इसकी रचना है प्रेमचंद के फटिक। ठीक है, तो हरिशंकर प्रसाई जो बेंगे लेखक है, बेंगेदार लेखक है, इसकी जीवन दृष्टि के बारे में हम पढ़ेंगे। लेखक हरिशंकर प्रसाई के जीवन परिचय पर पढ़ता जाते साहित्य की क्षमता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसी जीवन परिचय के बारे में देखिए। जीवन परिचय हरिशंकर प्रसाई हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध प्रेमिका, हिंदी साहित्य के हैं प्रसिद्ध प्रेमिका, यानी कि किसी बात को किसी हिसाब से कहना व्यंग्य कसना कहना है। तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध प्रेमिकार है। इनका जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी को हरिशंकर प्रसाई का जन्म कहा हुआ, कब और कहा हुआ? 22 अगस्त 1922 को, 22 अगस्त 1922 ईस्वी को कहा पर? मध्य प्रदेश की होशंगाबाद, होशंगाबाद जनपद के जवानी गांव में, जवानी गांव में इन्होंने अपनी आर्थिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की और बाद में नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी, नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए, नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की शिक्षा पूरी की। अब प्रश्न ये पूछ दिया जाता है कि हरिशंकर प्रसाई ने किस विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की? तो नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। कुछ वर्षों तक परसाई जी ने अध्यापक का कार्य किया, परंतु इस कार्य से परेशान हो चुके थे क्योंकि इनका बार बार स्थानांतरण कर दिया जाता था। बार बार स्थानांतरण होने के कारण ये इस कार्य से बहुत परेशान हो गए। उन्होंने यह कार्य स्थानांतरण से तंग आकर, स्थानांतरण का मतलब होता है तबादला, बदलाव, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो स्थान से तंग आकर यह कार्य छोड़ दिया और स्वतंत्र लिखने लगे। क्या? स्वतंत्र लेख लिखने लगे। परसाई जी जबलपुर में बस गए और उन्होंने यहाँ से वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। कहाँ बसे? जबलपुर में। और वहां पर क्या कार्य किया? वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कर दिया, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्होंने पत्रिका सीखने ही बंद कर दी। यानी कि जो वसुधा नामक पत्रिका थी उससे ज्यादा आर्थिक आय प्राप्त में, आर्थिक आय प्राप्त में हुई, तो इसलिए उन्होंने सीधे ये पत्रिका बंद करनी पड़ी। तत्पश्चात तो उसके बाद निरंतर पत्रिकाओं के लिए लिखने लगे। साहित्य अकादमी ने परसाई जी को विक्रम चक्रधर नामक रचना पर पुरस्कार दिया। आपको लगता है कि हरिशंकर प्रसाई को किस रचना पर साहित्य समारोह अकादमी पुरस्कार दिया? विक्रम चक्रधर। ठीक है, विक्रम चक्रधर को साहित्य अकादमी ने पुरस्कार प्राप्त किया। काफी समय से ये प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष बने रहे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसने की? मुंशी प्रेमचंद जी ने। कब की? 1943 में। तो ये काफी समय तक ये प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष बने रहे। ठीक है, सन 1945 में इस महान साहित्य का निधन हो गया। यानी कि जो बेंगे का थे हरिशंकर प्रसाई, उन
उनका देहावसान यानी कि निधन, इनकी मृत्यु जो है सन 1995 ईस्वी में हो गई। रसायन ये तो जीवन पृथ्वी के बारे में हरिशंकर प्रसाद इसके बारे में जानते हैं। काश उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कब उनका धर्म हुआ, कहां पर हुआ, किस विषय में उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, फिर उन्होंने क्या कार्य किया, तो ये उनके जीवन पृथ्वी के बारे में था। अब हमारे रसाय है प्रसाद जी की प्रमुख रसाय किस प्रकार से है देख लीजिए। कहानियां कौन सी कहानियां है, हंसते हैं रोते हैं, कौन सी कहानी है, हंसते भी है और रोते भी, कुछ बच्चे होते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो हंसते भी रहते हैं और रोते भी रहते हैं साथ साथ। इन्होंने जैसे उनके दिन फिरे, दूसरी का दिन उनके दिन फिरे, यानी कि जैसे अमीरी की बात गरीबी या गरीबी की बात अमीरी, ठीक है, या सुख की बात दुख और दुख की बात सुख, तो इस प्रकार उन्होंने रचना देखी। उनके जिले दो नाक वाले लोग यानी कि सभी की नाक होती है, परंतु यहाँ पर दो नाक के लोग दिखाए गए हैं। हरिशंकर प्रसाद ने अपनी कहानी के माध्यम से माटी का एक कुमार से माटी कुमार होता है और माटी को पीटता रहता है, तो माटी भी वो अपने बदले में कुछ कहती है। तो इस डिस्कस करेंगे।